फतेहगढ़ साहिब के बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज विखे राज पदरी टीचर फेस्ट करवाया गया। इस फेस्ट विच पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विशेष तौर पर शमूलियत की। फेस्ट नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि जदों तक सिक्ख्या नूं उपर नहीं चुकदे उदों तक सूबे का विकास संभव नहीं है। इसलिए सरकार 100 अजिहे स्कूल विकसित करेगी जो कि स्कूल ऑफ एमीनेंस होणगे। इस दे नाल उन्होंने कहा कि पंजाब दे वख-वख सूबियां विच दुनिया दे बेस्ट जैमर लगाए जाणगे ते पंजाब दी अति सुरक्षित जेल दा निर्माण भी किया जाएगा। फतेहगढ़ साहिब तो अज दी आवाज़ लई जगदेव सिंह दी रिपोर्ट। सारे पार्टी के वर्करां दे नाल मुलाकात की है। सारे साथियों ने बहुत जी जान मेहनत करके पिछले कई सालों तो आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। अज इन्हां सब की मेहनत करके पंजाब दे आम आदमी पार्टी की सरकार है। साडे MLA साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इन्हां दी सारी टीम बहुत शानदार काम कर रही है। तो आने वाले समय के पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के हेठां असी सारे साथी जिन्हें मंत्री हैं जिन्हें MLA हैं बाकी भी सारे पार्टी के साथी मिल के पंजाब के भविख लई सुनहरी भविख लई दिन रात कर भी रहे हैं तो होर भी करा। जेलों के आए दिन मोबाइल और सिम वगैरह बरामद हो रहे हैं और नशा भी बरामद हो रहा है। कामयाबी है जी, रिकॉर्ड रिकवरी जिहड़े आ जेलों के हो रही है। अज तक किसी भी साल जदों दे भी जेलां बनिया रिकॉर्ड रिकवरी हाईएस्ट रिकवरी। जेलों के गैंगस्टर पीजे खाते सी, सरेआम फोन करते सी, हुण उस दे उत्ते नकेल कसन दे उत्ते तुसीं रिकॉर्ड है। सख्त हदायत है कि हाँ जेल च मोबाइल पुजता सकता किसी राही भी हो सकता। साडा कोई मुलाजम या जो कैदी मुलाकाती ते जांदे ने या बाहरों थ्रू आते हैं आ तो सकता पर उत्थे चल नहीं सकता। दिन च दो दो बारी चैकिंग तीन तीन बारी चैकिंग ताही फड़े जाते हैं। तो जिद तो फटते उत्ते सख्त कार्रवाई भी करते हैं। रिकॉर्ड अफसर सस्पेंड किए हैं जी, रिकॉर्ड DSP ASP सुपरिडेंट वार्डर सीनियर वार्डर मेडिकल अफसर जिहड़ा जिहड़ा आया क्योंकि कह दिए तो जिन्हों मैं अपनी भाषा के मर्यादा के रह के गल कहूँगा कि हालात ही बहुत बुरे से। इन्ने बुरे हालातों के नाल उलझते हुए उस महकमे की सफाई कर रहे हैं तो वह दिन भी आऊगा। आने वाले दिनों तुम दसांगे पंजाब दीआं दो जेलों के नवी टैक्नोलॉजी लैके आ रहे जैमरा दीआं जो टैक्नोलॉजी कामयाब होंगी 26 दी 26 जेलों लॉन्च करांगे। जिहड़ी जिहड़ी दुनिया से बेस्ट टैक्नोलॉजी मिलती है जैमर की वह असीं पंजाब लागू करांगे। तो माण वाली गल ये होगी हिंदुस्तान की पहली जेल पंजाब च बनेंगे जिथे आ फैसिलिटी होगी। इस वक्त देश की किसी जेल च फैसिलिटी नहीं किसी भी जेल ने बहुत जल्दी सानूं दस्सांगे। ਮਹੱਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਟਾਈਪ ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪਲੈਨ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮਸੂਤ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਵਿਫਲਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-8, 9-9 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਸੂਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਸੂਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 1-1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ।
इस तो अलावा होर स्मार्ट स्कूल्स लैके आ रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों को ग्रांटा जारी की एम एल ए साहब सू आने वाले दिन के अपने हल्के प्रति जानकारी दे देंगे। ठीक स्कूल फिजिक्स टीचर नहीं जी बच्चों की पढ़ाई बड़ी प्रभावित कि स्कूल की गल कर रहे हैं मैं सर सू दस रहा जी जो जो आप कह रहे हैं कि जो स्कूल ऑफ एविनेंस बन जूगा अगले सैशन तो 1 अप्रैल तो स्कूल ऑफ एविनेंस का मतलब यह है कि उत्थे बिल्डिंग भी शानदार होगी फिर तुम गल करते उत्थे बच्चों की वॉशरूम भी है नहीं जे अगर मैं तो मैं जे गया तो मैं ता पता लगे उत्थे बाथरूम की दिक्कत है जी उत्थे क्लासरूम उत्थे इकले फिजिक्स में बहुत सारे टीचर शॉर्ट ने पर क्योंकि बहुत इतिहासिक धरती है जी तो उसको शॉर्टलिस्ट किया उत्थे दा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वधिया बनूगा उत्थे दा फर्नीचर भी शानदार होगा तो उत्थे एक भी लैक्चर आ रहा एक भी टीचर शॉर्ट नहीं होगा जिम्मेदारी मेरी ठीक।